अभी हम स्लाइडर बनाएंगे। स्लाइडर वो चीज़ है जिससे हम ज्योमेट्री के कोई ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम रेखाखंड को एनिमेट करके बताएंगे स्लाइडर के साथ। स्लाइडर बनाने के लिए हमको दाहिने तरफ से जो दूसरा है मेन्यू ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें हमें दिखेगा कि स्लाइडर ऑप्शन है। स्लाइडर ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। जहाँ भी स्क्रीन पर हम स्लाइडर बनाना चाहते हैं वहाँ हमको क्लिक करना है। तो ये बन गई स्लाइडर। ये स्लाइडर संख्या प्रकार की स्लाइडर है और उसका नाम है ए। हम ओके कर देंगे तो यहाँ स्लाइडर बन गया। अभी हम रेखाखंड सेलेक्ट करेंगे। रेखाखंड में सिर्फ रेखाखंड नहीं सेलेक्ट करना है, हमको सेलेक्ट करना है निश्चित लंबाई की रेखाखंड, क्योंकि यही इस ऑप्शन पर ही जियोजेब्रा हमें रेखाखंड की लंबाई पूछेगा। सिर्फ रेखाखंड करने में हमको लंबाई वो नहीं पूछेगा। तो यहाँ निश्चित लंबाई की रेखाखंड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमको हेल्प टूल टिप मिल गया। बिंदु चुने एवं रेखाखंड लंबाई दर्ज करें। तो बिंदु हमने यहाँ चुन लिया। अब जब हमें लंबाई पूछ रही है जियोजिब्रा तो हमें यहाँ नंबर नहीं देना है, हमको यहाँ टाइप करना है ए, क्योंकि स्लाइडर का नाम है ए। तो यहाँ हम टाइप करेंगे ए, ओके करेंगे। तो अभी ये जो सेगमेंट बन गया है इसका लेंथ लंबाई स्लाइडर पर निर्भर है। यहाँ एरो प्रेस करेंगे और ये स्लाइडर को जब हम मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि सेगमेंट की लंबाई रेखाखंड की लंबाई भी बढ़ रही है और घट रही है। ये रेखाखंड की हम नाम व मान भी चुनेंगे तो हमें स्लाइडर मूव करेंगे तो हमें रेखाखंड की लंबाई भी बढ़ती और घटती नजर आएगी। इसी तरह हम कोण, दिए गए आकार का कोण सेलेक्ट करके कोण को भी एनिमेट कर सकते हैं। वृत्त को भी दिए केंद्र और त्रिज्या के साथ वृत्त, इस ऑप्शन से हम सर्कल को एनिमेट कर सकते हैं। तो यह रहा स्लाइडर का लेसन।